इस वक्त हम इंदौर के 56 पर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ में है बीजेपी के शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी। जी क्या कहना चाहिए सर, हो गया वोट? हो गया वोट राष्ट्र हित के लिए, मेरा वोट मोदी जी को। क्या बात है। अच्छा इस बार शहर में यदि हम बात करें इंदौर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से नोटा को प्रमोट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस एक ऐसा दल है जिनकी ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। और सामने भारतीय जनता पार्टी के हमारे भारत के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में आज हमारा राष्ट्र का गौरव पूरी दुनिया में जो बड़ा है। आप उत्साह देख रहे हैं, मैं अभी वोटिंग करके आ रहा हूं, जिस तरह की लंबी लंबी लाइन है, मुझे लगता है कि वोटिंग में भी इंदौर इतिहास रचे। क्या बात है, आपने भी काफी मेहनत करी थी, युवाओं से सभी लोगों से अपील करी थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें, क्या लगता है कितना परसेंटेज रहेगा वोट का इंदौर में? मुझे लगता है कि जिस तरह हम स्वच्छता में नंबर एक है, हम वोटिंग में भी नंबर एक होने वाले हैं और इंदौर मतदान में एक इतिहास रचने वाला है। और इंदौर की जो जीत होगी, इंदौर लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की भारत की सबसे अधिक बड़ी जीत में से एक होने वाली है। क्या बात। अच्छा और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका एक वोट धारा 370 जैसी एक ऐसी धारा को हटा सकता है जो जम्मू कश्मीर को हमारा अभिन्न अंग बनने से रोक रही थी। आपका एक वोट राम भगवान का भव्य दिव्य मंदिर बना सकता है जो 500 साल से टेंट में थे। आपका एक वोट आपके परिवार को आयुष्मान के नाते एक बेटा ऐसा दे सकता है जो 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस आपको देता है। इसलिए राष्ट्र हित में मतदान जरूर करें। क्या बात है। हमारे साथ में बीजेपी के जो है कैलाश शर्मा जी भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सर? अपार उत्साह है और मोदी जी का जो विश्वास है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सही लोकतंत्र का त्योहार बन रहा है। इंदौर अपने आप में स्वच्छता में नंबर वन है, वोटिंग में भी नंबर वन, और सबका साथ सबका विकास का जो विश्वास है ये आगे बढ़ेगा। सबका साथ सबका विकास, वोटिंग में भी नंबर वन बने, यही सभी की अपील है। श्यामा प्रसाद अरुण यादव के साथ राहुल दवे, MP News इंदौर।